दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में स्थित है, उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैं बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक में कई सारे कॉल आ चुके और कॉल में ये पूछा जा रहा है कि प्रवीण सर, क्या आज यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग है? तो उसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे कि यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो कि दूसरे चरण की होनी है, ऑफलाइन होनी है कि ऑनलाइन होनी है, और क्या आज है कि कब है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे हैं जो कि मैं उनके ऊपर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो उनको मैं कह रहा हूँ कि आपको एक वीडियो ही दिखा दे रहा हूँ जिसमें से कि कोई दिक्कत ना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डायरेक्ट देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हमें मतलब यूनिवर्सिटी की मतलब वेबसाइट चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था। मैंने फ़ोन भी किया तो वहाँ भी कुछ नहीं था, मगर एक मुझे न्यूज़पेपर पे प्रूफ मिला है जो कि प्रूफ में ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रूफ को और इस प्रूफ को पढ़ लीजिए। तो ये रहा प्रूफ आपका। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट कि आसान तरीके में अगर हम कहें तो काउंसलिंग ऑफलाइन कराने पर विचार शुरू। ठीक है, सागर का न्यूज है। डॉक्टर हरी सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे चरण की काउंसलिंग ऑफलाइन कराने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे चरण की काउंसलिंग कराने पर विचार कर रहे हैं। इस पर फैसला 28 दिसंबर को होने वाली बैठक में होगी, जो कि कुलपति सहित अन्य लोग भी शामिल रहेंगे एडमिशन सेल यह प्रस्तावना रखी कि दूसरे चरण की काउंसलिंग ऑफलाइन करानी है या ऑनलाइन। एडमिशन सेल का चेयरमैन प्रोफेसर एपी मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन काउंसलिंग में चूंकि समय लग रहा है, ऐसे में स्नातक की काउंसलिंग ऑफलाइन कराने पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में जैसे कि आप देख सकते हैं, हालांकि अंतिम निर्णय मंगलवार को होने वाली बैठक में ही होगी, वैसे तीसरे चरण की काउंसलिंग तो ऑफलाइन ही होनी है। यह निर्णय तो पहले ही किया जा चुका है कि विश्वविद्यालय का पहला चरण की काउंसलिंग करीब एक माह में जैसे कि आप देख पा रहे हैं करीब एक माह में भी पूरा नहीं हो सकी। तो दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को आप देखिए। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि इस मतलब न्यूज़पेपर की तरह या फिर न्यूज़पेपर की ओर से कि इसमें यह कहे जा रहा है, एपी मिश्रा हैं जो कि एडमिशन सेल के चेयरमैन हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि 28 तारीख को मीटिंग होगी, बैठक होगी, जिसमें कि कुलपति भी आएंगे और एडमिशन सेल के चेयरमैन तो बैठे ही रहेंगे, प्लस अन्य लोग भी बैठे रहेंगे। उसमें उनका कहना ये है और बहुत सारे स्टूडेंट का भी कहना ये है कि बात तो सही है कि ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता था तो ऑफलाइन काउंसलिंग होना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ने आंदोलन भी किया था। असल में मैं बता दूं कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग थी, थर्ड काउंसलिंग थी, तो वो ऑलरेडी ऑफलाइन ही होनी थी, मगर हालांकि यह बैठक तो मतलब यह निर्णय तो मंगलवार को ही आएगा कि असल में क्या होने वाला है ना, सही डिसीजन क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो आप यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपको ओरिजिनल देखा जाएगा, और साथ ही जिनका फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सेकेंड काउंसलिंग है उनके लिए है।
तो दोस्तों अब सेकंड को टॉप लिस्ट आएगा, जब काउंसलिंग होगा तो सेकंड को टॉप लिस्ट आएगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आएगा और हमारे चैनल में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही प्रोसेस है कि ऑफलाइन में आप अपने घर में बैठ के कर देते थे, मगर ऑनलाइन में आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सिटी देखोगे। और मेन कारण यही है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, मैं बता दूं कि जैसे कि अभी तक इसमें साफ साफ है, न्यूज़पेपर में लिखा था, आपने भी पढ़ा होगा, इसमें समय ज़्यादा लगते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या हुआ कि देख रहे हैं कि एक महीने से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, एक महीने से काउंसलिंग की प्रोसेस चल रहा है, किसी के ना डॉक्यूमेंट सबमिट हो पा रहे हैं, किसी की ना फीस सबमिट हो पा रहा है सही से, मतलब कि कोई बोल रहा है कि प्रवीण भाई, प्रवीण सर, मेरा तो सिर्फ दो डॉक्यूमेंट जमा हुए, और मतलब कि अभी 8 डॉक्यूमेंट 9 डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना था, तो उसमें से 2 ही डॉक्यूमेंट जमा हुए। तो ये प्रोसेस नहीं रहेगा कि हाँ भैया नहीं जमा हुए, ये वो दुनियादारी, लफड़ेबाजी, पैसे रुपए, हर एक चीज़ से सुविधा रहेगी, निपटारा रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना। आपको ब्लड ग्रुप में मिल जाएगा अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है तो, मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट की यही परेशान है कि प्रवीण सर हमारा मतलब ब्लड ग्रुप के चलते आगे का फाइल नहीं खुल रहा है, ब्लड ग्रुप क्या भरें, वो करें वो करें। तो दोस्तों ऑफलाइन में यही है कि आप डायरेक्ट आएंगे तो ब्लड ग्रुप भी आपका क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप भी आपका चेक हो जाएगा, कार्ड बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्रोसेस रहेगा तो वो तो आप तो देख ही पा रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, बेड आउट, नो टेंशन। और मतलब ऑफलाइन में यही है कि मतलब जो ऑफलाइन इस लेकर आया जा रहा है क्योंकि जो एपी मिश्रा हैं चेयरमैन, तो वो ये कह रहे हैं साफ साफ और ऑलरेडी दिख भी रहा है यार, दिख रहा है कि मतलब ऑनलाइन जो काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें ऑलरेडी 1 महीने हो गए हैं काउंसलिंग की, ठीक है, 1 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई स्टूडेंट सही से डिसीजन नहीं कर पा रहा है, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा है कि असल में उसका एडमिशन हो गया है कि नहीं, है ना। बात सही है कि कोई स्टूडेंट अभी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसका एडमिशन हो गया है कि नहीं, और ऑफलाइन में तो ऑलरेडी जहाँ सील लगा तो आपकी एडमिशन पक्की हो जाती है, मगर ऑनलाइन में तो वो उसको पूरा कॉफी नहीं जमा कर पाता फीस समेत, कोई बोल रहा है मैं दोबारा फीस जमा किया तो मेरा फीस वापस होगा कि नहीं होगा, यही सब प्रोसेस है। और मान ये लेट के कारण हो रहा है, सेक्शन जो है ना कि 2021 का जो साल चलेगा उसमें कैसा रहेगा, अभी फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन नहीं हो रहा है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, यही सब देखते हुए हम मतलब कि और बहुत सारे स्टूडेंट का भी सपोर्ट रहा, आंदोलन भी किए, है ना। तो आपने भी देखा होगा कि 15 तारीख को जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैं भी तो गया था, तो आप लोग भी देख ले होंगे, और नहीं देखे हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की मैं ऑफलाइन की वो किया था कि देखो उसमें दिक्कत ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही है कि आपको पढ़ना तो यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, तो भैया आप ऑफलाइन करवा लो ना, कोई दिक्कत है नहीं, सब है, मतलब पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो यही रहा है आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ हेल्पफुल रहा हो, अब मतलब आपको टेंशन नहीं लेने का, मतलब जब भी काउंसलिंग होगी तो हम आपको बता देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है यार। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना लाइक, क्योंकि ताज़ा अपडेट न्यू जानकारी के साथ और सही जानकारी, सही डिसीजन लें हमारे इस वीडियो पे, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मतलब कि ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो सही जानकारी नहीं देंगे, और मतलब कि जो सही जानकारी, जो ताज़ा अपडेट लाइव है, वो जानकारी आपको अच्छा रहेगा कि मतलब जो ऐसे मतलब मेरा देख के वीडियो फिर उसको बना देते हैं वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, क्योंकि आपको ताज़ा अपडेट लाइव मिलेगा इसमें, अन्यथा आप आपकी मर्जी जो आप करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर, और जिन्हें ज़रूरत है, जो स्टूडेंट सोच रहा है कि मतलब आज एडमिशन होने मतलब आज काउंसलिंग होने वाला है, उनको बस शेयर कर देना, नहीं तो भैया आज भी पहुंच जाएंगे, और कि मतलब अभी इसका निर्णय आने वाला है, निर्णय भी नहीं हुआ है, तो मिल